अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। मैं जल्दी से आप लोगों को जितनी भी हमने एडजस्टमेंट सब तक कवर करी है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उधर देख लीजिए सभी बच्चे मेरी तरफ, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। सबसे पहली बात, हर एक एडजस्टमेंट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में जनरली मिलती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको देखने को मिलती है। समझ आ गया नहीं आ गया? कभी कभार कुछ इन्फॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है वो भी एडजस्टमेंट का रूप ले लेती है, जिसको हम इम्प्लाइड एडजस्टमेंट बोलते हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे बाद में। अब जैसे कि हम बात करते हैं वन बाय वन, अगर हम एक एक एडजस्टमेंट लेते हैं तो पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, आप सभी बच्चों को पता है। पहला इफेक्ट कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड में हम टोटल कॉस्ट बुक कर चुके होते हैं उस कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि वो सामान हमारा बिक नहीं पाया। क्रेडिट साइड में हमने सेल लिया, डेबिट साइड में टोटल कॉस्ट लिया। अब टोटल कॉस्ट की सेल से लड़ाई कराएंगे, रिजल्ट तभी सही निकलेगा जब हम कॉस्टिंग उतने की ले, कॉस्टिंग उन यूनिट्स की ले जो यूनिट्स हमारी सेल हुई है, और क्लोजिंग स्टॉक वो यूनिट्स है जो सेल नहीं हो पाया, तो इसलिए हम उसको कार्ड डाल देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पे हमारा अधिकार है। ठीक है बच्चों, ये हमारी एसेट है, इसको हम ऑन कर रहे हैं, इसका हमें फ्यूचर बेनिफिट्स मिलना है। लेकिन बच्चों आपको अगर एडजस्टमेंट्स नहीं आती, आप ये चैप्टर्स नहीं कर पाओगे, तो प्लीज बार बार एडजस्टमेंट्स को रिवाइज करें, आप समझे। अगर नहीं समझ पा रहे तो रटें, रटना भी फिर आपके लिए जरूरी है। काफी सारे बच्चे रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो रट लो। रटना क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जा रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है, अगर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गिवन है? ट्रायल बैलेंस में, तो इट सिंपली मींस वो परचेजेस के साथ एडजस्ट हो चुका है, फिर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं रहती है, फिर वो सीधा कहाँ पहुंचता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो इस तरीके से मेरी पहली एडजस्टमेंट खत्म हो जाती है। एडजस्टमेंट ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी हम समझ सकते हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ट्रीटमेंट सही करना आना चाहिए। सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, या फिर अनपेड एक्सपेंसेस। अब हम एक्सपेंसेस, आप सभी बच्चों को पता है एक्सपेंसेस या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है या कहां जाता है? पीएनएल के डेबिट साइड। जवाब दो बच्चों। अगर एक्सपेंसेस के नीचे डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, इनडायरेक्ट है तो पीएनएल के डेबिट साइड। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी एडजस्टमेंट है ना कि एक्सपेंस हमारी एडजस्टमेंट है, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। कहाँ ऐड कर देते हैं? रेलिवेंट एक्सपेंस। अब रेलिवेंट एक्सपेंस वो ट्रेडिंग अकाउंट का भी हो सकता है और पीएनएल का, लेकिन डेबिट साइड में। समझ आ गई बात? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप ये कह सकते हो कि सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड या फिर पीएनएल के डेबिट साइड ऐड कर देते हैं हम। किसमें ऐड कर देते हैं? रेलिवेंट एक्सपेंस। एंड जो सेकंड इफेक्ट होता है हमारा, जो सेकंड इफेक्ट होता है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज है, क्योंकि हमारे सर पे कर्जा है, वो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी हमने पे नहीं करा। यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया होगा? थर्ड एडजस्टमेंट है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोल देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। क्या भी बोल देते हैं हम इसको? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो पेपर में कुछ भी लिखा हो उसका मतलब आपको प्रीपेड से ही निकालना है। तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड या फिर पीएनएल के डेबिट साइड, जो भी मेरा रेलिवेंट एक्सपेंस है हम उसमें से क्या कर देते हैं? माइनस। क्या कर देते हैं? माइनस, क्योंकि वो एक्सपेंसेस मेरा इस साल का नहीं है। आप सब बच्चों को मैंने समझाया था मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना होता है, एक्रुअल बेसिस कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना होता है। जब आप ट्रेडिंग या पीएनएल बना रहे हो तो आपको ये देखना है कि मुझे इस साल के खर्चे लेने हैं, इस साल की कमाई लेनी है। इस बात से मतलब नहीं है कि खर्चे पे करे हैं या फिर नहीं करे हैं, और इस बात से मतलब नहीं है कि पैसा मिला है या फिर नहीं। अगर सर्विसेज दे दिया तो रिवेन्यू बुक कर लो, एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुका है तो एक्सपेंसेस बुक कर लो। पेमेंट एंड रिसीप्ट इज टोटली इररिलेवेंट। जवाब दो बच्चों। अब आप देख सकते हो मैं इस चैप्टर को जितनी भी एडजस्टमेंट्स कराई विद इन 10 मिनट्स के अंदर रिवाइज करा दूंगा, बट पहले मैंने अराउंड इनमें दो दो क्लासेस भी लगा रखी हैं। तो बच्चों अब अंडरस्टैंडिंग तो आपके ऊपर भी ना, आप कितना ढंग से पढ़ रहे हो। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग या पीएनएल के डेबिट साइड, जो भी रेलिवेंट एक्सपेंसेस है उसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि मुझे इस साल का खर्चा चाहिए होता है। एंड सेकंड इफेक्ट हम इसको कहां लेकर जाते हैं? बैलेंस शीट की एसेट्स है, क्योंकि इस पे मेरा राइट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मुझे इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अगर मैंने 4 महीने का रेंट किसी को एडवांस में दे दिया है तो अगले 4 महीने मुझे पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है बच्चों, तो अनएक्सपायर्ड लिखा हो, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस लिखा हो, प्रीपेड लिखा हो, तो सबका ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है? सेम। इसके बाद चलते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट, दैट इज एक्यूड इनकम।
accrued income का मतलब क्या है, जो हमने कमा ली है, the income which has been earned by the business but which has not been received by the business. Like मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, एक बच्चे के पूरे साल की फीस नहीं आई है, बच्चा पूरे साल मेरे पास पढ़ा, कह रहा सर मैं फीस आपको बाद में सबमिट कराऊंगा. अब मुझे बताइए ऐसे केस में क्या होगा, इनकम तो मैंने कमा ली ना, बोलो यार, लेकिन मिली नहीं है, तो क्या होगा, सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाती है इनकम हमारी, बोलो बच्चों, तो हम उसको ऐड कर देंगे. क्या ऐड कर देंगे, accrued fees. क्या ऐड कर देंगे, accrued fees, accrued income, जो भी कुछ है, फर्स्ट इफेक्ट. एंड सेकंड इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट्स, क्योंकि सर्विसेज मैंने दे दिया, मेरा राइट बनता है, मैं आपको कॉल करके बोल सकता हूँ कि आप प्लीज मेरे पैसे दीजिए, बाद में नहीं मिले वो एक बात अलग है, उसको बैड डेट्स दिखा दूंगा, बाद में लॉस मान लूंगा, बट अभी तो मेरा उस पे क्या है. तो दो इफेक्ट सिंपल से हो गए, P&L के क्रेडिट साइड ऐड कर देंगे हम, किस में ऐड कर देंगे, रेलेवेंट इनकम. एंड सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे बच्चों, बताओ, बैलेंस शीट की एसेट्स. ठीक है बच्चों, चलो मैं ये वाली वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप जितनी मर्जी बार देख सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज हो जाएंगे, बट स्टिल आप सब बच्चों को नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, आपको तभी बच्चों एक कॉन्फिडेंस आएगा. मुझे बड़ा गंदा लगता है जब आप बेसिक एडजस्टमेंट्स का मुझे सही जवाब नहीं दे पाते हो, ये खासतौर से वो बच्चे जो अभी तक भी नहीं दे पा रहे हैं. तो प्लीज बच्चों अपने हिस्से की मेहनत करो, घर पे जाके टाइम दो, पढ़ो और चीजों को पूछो अगर चीजें समझ नहीं आ रही है. ठीक है बच्चों, अगले एडजस्टमेंट चलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब इनकम एडवांस में मिल गई, इसको सर हम किस नाम से जान सकते हैं और किस नाम से देखने को मिल सकती है, अनअर्नड इनकम. किस नाम से भी देखने को मिल सकते हैं, अनअर्नड इनकम. तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, P&L के क्रेडिट साइड में जाओ, जो भी इनकम है उसमें से माइनस कर दो, क्योंकि वो इनकम इस साल की है ही नहीं, वो अभी से मुझे आप 12th की फीस दे दो तो मेरा पैसा बनता ही नहीं है, तो भाई मैं क्या करूँगा उसको, इस साल की P&L में थोड़ी दिखाऊंगा, बोलो बच्चों. एंड सेकंड इफेक्ट क्या है, जो मेरी अनअर्न इनकम है, जो मैंने आपसे कमाई नहीं है बट आपने मेरे को पे कर दी है, तो सेकंड इफेक्ट क्या जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी, क्योंकि उसमें मेरा अधिकार नहीं, आपका पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मेरी लायबिलिटी है बच्चों. आप कल को पैसे वापस मांगने आ गए तो मुझे वो पैसा आपको देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा, मैं मना नहीं कर सकता. आप 11th के मांगोगे, 11th के मैं नहीं वापस करूंगा, क्योंकि मैंने आपको क्या दे दिया, सर्विसेज. बट आप 12th के मांगोगे तो बच्चों बताओ क्या मुझे वापस करने पड़ेंगे. हाँ यार भाई, मेरे तो सिंपल से आता है, नहीं भाई मेरे को मेरी मेहनत का मिल जाए वही बहुत. तो पांच एडजस्टमेंट हमारी इस तरीके से खत्म हो जाती है. छठी एडजस्टमेंट थी हमारी डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसकी वजह से पेमेंट नहीं जाती है. आपको डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर भी समझ चुके हो कि इट इज अ रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम, ऑफ सेल्स के हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नॉर्मल वेयर एंड टियर, एनी अदर रीजन, किसी वजह से मेरी एसेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन. समझ में आया? तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है डेप्रिसिएशन, जिस पर भी लग रहा है, ज्यादातर टेंजिबल एसेट्स पे लगता है. इंटेंजिबल एसेट्स की अगर वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अमर्टाइजेशन. क्या बोल देते हैं हम उसको, अमर्टाइजेशन. बट ट्रीटमेंट दोनों का सेम है. तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाओ, मशीनरी पे लगा, मशीनरी में से माइनस, फर्नीचर पे लगा, फर्नीचर, बिल्डिंग पे लगा, बिल्डिंग. लैंड ही एक ऐसी एसेट है जिसमें कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता. लैंड होती है जमीन, भूमि. लैंड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, कभी भी लैंड की वैल्यू कम नहीं होती. समझ आ गया नहीं आ गया? तो पहला इफेक्ट क्या करेंगे हम, जो है पहला इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट साइड, रेलिवेंट एसेट्स में से क्या कर देंगे, माइनस. और दूसरा इफेक्ट P&L के. इस तरीके से मेरी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं 6. अगली पर जब हम चलेंगे तो कौन से एडजस्टमेंट है बच्चों, बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सिंपल, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. बिजनेस अलग है, ओनर अलग है. तो मैं अलग हूँ और ये संजय क्लासेस अलग है. तो मैंने संजय क्लासेस को पैसा दे रखा है, संजय क्लासेस इस पैसे को कैपिटल मानता है, कैपिटल बोलता है, और संजय क्लासेस कैपिटल को कहाँ रखता है, लायबिलिटी साइड. तभी तो आपने देखा हो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या लिखी जाती है, कैपिटल, क्योंकि मैं अलग हूँ और बिजनेस अलग है. जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बिजनेस. अब मैंने इसको कैपिटल दे दी तो बिजनेस कहता है, संजय भाई तेरा साथ नहीं देना मुझे, मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा. मैं तेरे को क्या दूंगा, इंटरेस्ट. तो अगर ऐसा एग्रीमेंट है, बातचीत हो रखी है, तो वो इंटरेस्ट देता है. तो संजय क्लासेस मुझे इंटरेस्ट दे रहा है. अब संजय क्लासेस अपनी जेब से थोड़ी देगा, संजय क्लासेस अपने प्रॉफिट को कम कर देगा.
और प्रॉफिट को काम करेगा, अपना खर्चा बुक करेगा। बोलो बच्चों, खर्चा बुक करने मतलब P&L के डेबिट साइड। तो पहला इफेक्ट आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, P&L के डेबिट साइड जाएगा। और बताओ मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, आप बताओ मेरे को संजय क्लास से साल क्या बोल रहे हो, संजय भाई तेरा इंटरेस्ट बन रहा है 50,000 का, तो बताओ मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। वैसे प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, मुझे संजय क्लासेस ने आज तक ऐसा कोई इंटरेस्ट दिया नहीं है। अरे बोलो यार, ये सब चीजें हमारे हाथ में, तो इंटरेस्ट भी मेरा ही है, प्रॉफिट्स भी मेरा ही है, लॉस भी मेरा ही है, जवाब तो बच्चे ने। तो लेकिन हमारी एक एडजस्टमेंट है तो हम समझ लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करते हैं बच्चों, कैपिटल में ऐड करते हैं। एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर आए, कई बार ऐसा होता है कि यार एक बंदा ज्यादा पैसा लगाता है, दूसरा कम लगा रहा है, पर प्रॉफिट दोनों का इक्वली बट रहा है। अब मान लो मैं हूँ और संदीप सर है, मान लो कि मैंने 5 लाख लगाया, संदीप सर ने 10 लाख लगाए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट इज मेड, बताइए। अब मैंने 5 लाख लगाए, संदीप सर ने 10 लाख, लेकिन हमारी मेहनत दोनों की सेम हो रही है, तो लास्ट में क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट्स है लास्ट में जो हो रहा है, प्रॉफिट्स हम दोनों इक्वली बांट रहे हैं। तो बताओ अगर हम लॉजिकली सोचें तो किसके मन में डाउट्स आने स्टार्ट होंगे, किसका मतलब संदीप सर क्या है यार, ये तो सही नहीं हो रहा यार, कुछ कुछ गड़बड़ चल रही है बिजनेस में। बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या उनके दिमाग में आया, क्या यार इसने 5 लगा रखे हैं, मैंने 10 लगा रखे हैं, और प्रॉफिट होता है तो दोनों इक्वल बढ़ते हैं। ये स्वाभाविक है बच्चों, ध्यान रखना पैसा चीज ही ऐसी है। तो पैसों के रिलेशन को जितना बढ़िया रखो, जितना ट्रांसपेरेंट रखो, उतना ही ज्यादा बेटर है। अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, कितना देना है 10%, अब बताओ इससे क्या फायदा होगा, हम प्रॉफिट दोनों इक्वली बांट रहे हैं। अब हमने एक प्रोविजन बना दिया कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10%। दो लोग तभी मिलकर काम करते हैं जब वो दोनों एक साथ दो एक दूसरे की बातों पर एग्री करें, पार्टनरशिप आपने पढ़ी रखा है। अरे बोलो यार, अब कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, वो चीज ठीक नहीं है। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो मुझे 5 लाख पे मिलेगा और संदीप सर को किस पे मिलेगा, 10 लाख। तो फिर ये चलो आपने ज्यादा पैसा लगाया है तो आपको उसके रिगार्डिंग कंपनसेशन भी चाहिए। समझ आ गया, तो इसको हम साइड कर देते हैं, सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। पहला इफेक्ट क्या होता है बताओ सारे बच्चे, P&L के डेबिट साइड तो है ना, और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल में। सिंपल क्वेश्चन आए देख लेना। और सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में पड़ा हो तो, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सारी बातें मैं बता नहीं सकता। कोई भी आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में पहले से पड़ा है तो उसकी नेचर देखो और उसको एक जमा भेज दो, क्योंकि उसकी जर्नल लेजर ऑलरेडी बन चुकी है, वो बेटा एडजस्टमेंट नहीं है। दो इफेक्ट किस चीज के होते हैं बताओ सारे बच्चे, और एडजस्टमेंट्स क्या होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो चीज ट्रायल बैलेंस में आ गई वो तो ऑलरेडी क्या है, एडजस्टेड है। इस चीज को आपको अपने दिमाग में ध्यान देखो, तो पढ़ाई में मानो ना मानो कहीं ना कहीं समझ के भी याद रखने के लिए हमें रिवाइज करना होता है, थोड़ा बहुत रटना भी पड़ता है। वो बात अलग है, जिसके बेसिक सही है, जो पहले से करता हुआ आ रहा है उसको ना चीजें वो कनेक्ट कर पाता है, लेकिन जिसने पहले से नहीं कर रखा तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। तो सारे बच्चे उस वाली कैटेगरी के नहीं होते कि उसको सब कुछ ध्यान है, आपको पहले की चीजें ध्यान नहीं आ रही, तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा रिकॉल करो, थोड़ा रिवाइज करो, थोड़ा बहुत रट लो, आपका क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए तो भी बात बन जाए। या आपने टीचर से पूछो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है क्या, फिर उस लॉजिक को लिख लो। समझ आ गया बच्चों, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। अब ड्राइंग्स कर रहा हूं मैं, अब मैं इस बिजनेस से पैसे निकाल रहा हूं, अगले एडजस्टमेंट आ चुके हैं, मैं इस बिजनेस से क्या कर रहा हूं, पैसे निकाल रहा हूं। अब संजय क्लासेस कह रहा भाई पैसे निकाल रहे, मैंने कहा निकाल रहा हूं, कह रहा है क्यों निकाल रहा है, मैंने घर पे देने हैं भाई, कह रहा है तो ड्राइंग्स हो गई, मैंने कहा हां भाई ड्राइंग्स है, तो बिजनेस से नहीं निकालूंगा और कहां से निकालूंगा, कह रहा कोई बात नहीं तू अलग है मैं अलग हूं, मैंने कहा हां भाई बिल्कुल अलग है, कह रहा तूने पैसे निकाले हैं तो तू इस पे क्या देगा, इंटरेस्ट, मैंने कहा ले लो भाई इंटरेस्ट, क्या दिक्कत है, तूने भी तो मेरे को इंटरेस्ट दिया था जब मैंने पैसा लगाया था। बोलो हाँ है ना। अब अगर वो मेरे से इंटरेस्ट मांग रहा है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं हम इसको, इंटरेस्ट ऑन। पहले आपको ड्राइंग्स पता होनी चाहिए, व्हाट इज ड्राइंग्स, इट इज द अमाउंट और एसेट्स विथड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो आपको समझ आना चाहिए कि मैंने पहला सेकंड चैप्टर जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था उसको मैंने 10 क्लासेस में क्यों कराया था, क्यों रोज रोज मैं रिपीट मारता रहता, ऐसी मेरी एक भी क्लास गई हो जहां पर मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ना बोले हूँ। बोलो यार, अब एक बच्चा बैठा उसे ही नहीं पता ड्राइंग्स क्या होती है, एसेट्स क्या है, कैपिटल क्या है, वो तो पूरे साल बस पजल ही रहेगा यार मैं कहाँ आ गया, पता नहीं चल ही क्या रहा है।
समझ आ गया बच्चों। अब बताओ मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा, मैं ओनर हूं, मैं बिजनेस को इंटरेस्ट दूंगा, तो बताइए अगर बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या होगा, फटाफट बताओ सारे अच्छे। अरे बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या होगा, बिजनेस की तो इनकम होगी, इनकम होगी तो पीएनएल के क्रेडिट साइड, वो कहेगा भाई मेरे को तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। पहला इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट साइड। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जो मेरी ड्राइंग्स कर रखी है, जो मैंने ड्राइंग्स, अब मैंने निकाले 50 से, अब वो कहेगा भाई तूने 50 नहीं निकाले, तूने तो 5,000 का इंटरेस्ट भी देना है, तूने टोटल कितने निकाले हैं, 55। एक्चुअल में मैं कैश थोड़ी देता हूँ, कैश का नहीं चलता, सेटलमेंट चलती है, बोलो। अच्छा भाई ठीक है, तो 5,000 रुपए है, बोलो बच्चों। तो 5,000 रुपए क्या करेंगे हमने उसको, क्या करा, दे दिया बिजनेस को कैश की फॉर्म में, क्या ठीक है तू काट के छोड़ना पैसे। अब ऐसे में क्या होता है बताओ, मैं एक प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए साइड में परचून की दुकान है, इनका बच्चा मेरे पास पढ़ने आ रहा है, ठीक है। अब मैं इनसे फीस नहीं मांग रहा, ठीक है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अब पूरे साल की फीस बन गई 12,000, मैंने बदले में इनसे क्या कर लिया, राशन ले लिया। बोलो बच्चों, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में, तो सेटलमेंट तो वही हो गई ना। अब मैंने ड्राइंग्स करी, ठीक है, मेरे कटने कितने चाहिए थे, 50,000, लेकिन मैंने पैसे भी तो लगा रखे हैं कैपिटल। अरे बोलो यार, या तो मैं 50,000 दे दूं, ले भाई बिल्कुल पकड़ भाई, पैसे खत्म, मेरी कैपिटल पड़ी रहने 5 लाख की, कैपिटल पे छेड़खानी मत कर। अब मैं देता भी तो, ठीक है यार कोई बात नहीं, है तो अपना बिजनेस ही, तो जब ही तो साल के एंड में कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करके दिखाई जाती है। बोलो यस सर। अकाउंटेंट क्या कहता है, अकाउंटेंट ओनर को कहता है कि देख भाई तूने 5 लाख लगाए थे बट तूने 50 निकाल लिए, तो आज की डेट में तेरी कैपिटल 5 लाख नहीं है, आज की डेट में तेरी कैपिटल कितनी है, 5 लाख माइनस 50। बोलो यस सर। थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो कहेगा सर इंटरेस्ट के भी पैसे कट रहे हैं, मैंने कहा भाई काट लेना क्या दिक्कत है, 5 और काट लेगा। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये जितनी भी एडजस्टमेंट है, 8 एडजस्टमेंट्स मैंने आपको समझा दी हैं, ये सब आपको आने चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस में ये गिवन है तो इनका एक ही फैक्ट होगा, दो फैक्ट नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अगर आप पूरा कोर्स हमारा बाय करना चाहते हो तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, संजय क्लासेस के नाम से ऐप है, तो आप सर्च कर सकते हो, व्हाइट एंड ब्लू कलर का लोगो मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हो, और आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है बच्चों, थैंक यू।